और इनको भाई छोड़ के आने का टाइम हो गया है। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 30 अक्टूबर 2020। मैं हूँ अभी गुड़गांव अपने फ्लैट पे। अरे ब्रूनो भैया आज हेलो कर दो। हेलो हेलो, चलो चलो चलो, सॉरी नहीं छेड़ रहा। हाँ तो भाई कल मुझे पंजाब निकलना है, क्या रीज़न है वो मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। और मैं बाइक में जा रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था, तो लगभग 400-450 किलोमीटर है बाइक चलानी है कल सुबह। इसलिए आज भाई सारे काम निपटा के जाने, जितनी वीडियोस पेंडिंग है वो, और अपना सेटअप रूम भी आज कंप्लीट करना है। एडिटर साहब आने वाले आज फर्स्ट टाइम, तो उनको भी दिखाएंगे, पूछेंगे उनको कैसा लगा फ्लैट और उनका रूम भी। आइए पाजी, आइए आइए आइए। तो फर्स्ट डे आ रहे हैं अभिषेक जी, और ये नींद में क्यों लग रहे हो उड़े उड़े? बहुत पूरी रात काम किया, तेरा ही काम कर रहा था। कैसा लग रहा है भाई हॉल, कैसा लग रहा है? अमेजिंग, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। अगर मैं बोलूं ना, लिटरली वन ऑफ द बेस्ट तूने परचेस किया ये चीज। परचेस अच्छा, सोफा, सोफा और ये सब, ये तो नहीं वो मुझे भी पता है, बट ये सोफा, आई मीन अब से एडिट मैं इधर ही बैठ के कर रहा हूं और इधर मेरी कॉफी बन रही है पूरे टाइम। अमेजिंग। सबसे पहले तो ब्रूनो, वो कहा है मेरा ये दिन भर मुझे, क्या तू जैसे बताता है सोता रहता है, वो सो ही रहेगा। हेलो भालू होता है पर अब इसमें PS5 चलने वाला है। PS5 कब ले रहा है फिर अपने को? बिल्कुल आते बेस्ट ही यार, बेस्ट ये टू सुपर। अभी इन लोगों को बाकी चीजें नहीं दिखा सकते, लेकिन दिस इज द बेस्ट पार्ट एंड सोफा। अच्छा लास्ट व्लॉग में मैंने ये वाला पार्ट दिखाया था जो मैंने की होल्डर लिया था, तो इसमें मैं कह रहा था यार ये जो मैंने पोर्ट्स रखे ना ये फेक प्लांट्स है। पहले तो काफ़ी लोगों को लगा असली है कि मैं पानी दूंगा, तो ये IKEA के फेक प्लांट्स है। और मैंने कहा था यार ये अगर मैं चाबी उतारूंगा तो ऐसा ना हो कि ये गिर जाए, तो इसके लिए मैंने सोचा था कि मैं इस पर फेविक्विक लगा के चिपका दूंगा। बट काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने जो है वो मुझे सजेशन दिया था कमेंट सेक्शन में कि फेविक्विक से अच्छा डबल साइड टेप लगा देना। मैंने कहा हाँ यार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, तो यही मैं आप फिर डबल साइड टेप लगा देता हूँ और इससे जो है ये चिपक जाएंगे अच्छे से। तो ये देखो भाई मैंने डबल साइड टेप लगा दी और अब ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं, अब है ना परफेक्ट। काम वाम कर लो भैया, पूरे दिन ब्रूनो के साथ नहीं खेलना। तो मैं तो पहले ही बोला था तू ये लाएगा तो ये मेरा होने वाला है। ऐसे कैसे, जल्दी एडिट करो GTA GTA एडिट। आराम आराम सब, ब्रूनो जिससे मैं इसको ट्रेनिंग देना शुरू करूंगा नहीं, मतलब शुरू कर दिया मैंने कल से ही, और इसको सिट और स्टे सिखा दिया मैंने। बट अभी भाई 10-12 दिन लगातार इसको सिखाना पड़ेगा तभी आएगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक ये रहा इसका बिस्किट, आ जाओ ब्रूनो, नो सिट ब्रूनो, यस गुड बॉय। तो इसको ऐसे ट्रेनिंग चल रही है और अभी मैं आपको स्टे करके दिखाऊंगा इसको। आ जाओ ब्रूनो, कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम ऑन, सिट स्टे, यस गुड बॉय। तो दो कमांड्स तो सिखा दिए, ट्रीट्स के बहाने भाई सीख जाते हैं डॉग्स बहुत जल्दी। बट अभी मुझे निकलना पड़ रहा है पंजाब के लिए अभी, मतलब कल। तो इसको मैं कहाँ छोड़ूंगा वो इस व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। मन नहीं है भाई बिल्कुल भी छोड़ के जाने का, एक गोदू वोदू इतनी याद आएगी, बट भाई इमरजेंसी है 2 दिन की, इसलिए जाना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट व्लॉग देख लेना, वो रीज़न मैं बता दूंगा उसी में। ब्रूनो दुखी तो नहीं होगा तू मेरे बिना? हैं नो काटी काटी, नो 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 काटी काटी, दुखी ना होना, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, सुन रहे हो? लेटर दैट सेम इवनिंग। सुबह से भाई रात हो चुकी है, लगभग 7 बज गए हैं, और कितने 4-5 घंटे से मैं इसी रूम पे काम कर रहा हूँ पूरा लाइटिंग वगैरह के ऊपर। और फाइनली जो मेरा सेटअप रूम है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही मैं पंजाब से आऊँगा 2 या 3 तारीख को, आके मेरी वीडियोस जो है वो रेगुलर आती रहेगी, नॉर्मल अनमोल जायसवाल पे भी और AJ गेमिंग पे भी। पूरा टूर तो मैं आपको अनमोल जायसवाल चैनल पे दूंगा, बट थोड़ा बहुत हाईलाइट्स या ग्लिम्स दिखा देता हूँ अपने रूम का। फाइनली खोल लिया जाए और यहाँ पर वो गाना बजना चाहिए। ओ हो हो, तो भाई कैसा लग रहा है रूम जरा प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, देख रहे हो? और वो फ्लड लाइट लगा दिए मैंने, तगड़ा लुक दे दिया। नीचे की पूरी थीम रखी है मैंने पिंक और ऊपर की पूरी थीम रखी है ब्लू। कैसा लग रहा है? ओ ओ ओ नो नो नो, ओ हो हो, तार नहीं खानी ब्रूनो, करंट लग जाता है। नो ब्रूनो कैसा लग रहा है रूम? ये सुसू कर देगा पक्की बात आके। तो देख लो भाई लोग, थोड़ा सा देखा मैंने, बोला था ये आते ही सुसू करेगा यहाँ पे। पता नहीं इसको मेरे से क्या दुश्मनी है, ये मेरे रूम में आके क्यों सुसु करता है। नो जाओ यहाँ से, नो एंट्री,
ब्रूनो एंट्री अलाउड नहीं है, चलो चलो चलो, बहुत सारी वायर्स हैं यहाँ पे, साइड हो जाओ साइड हो जाओ साइड हो जाओ, निकलो 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 निकलो, चलो 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 चलो, बाहर चलो बाहर चलो ब्रूनो बाहर चलो, बाय बाय बाय। और हाँ भाई, अपने एडिटर साहब वाला रूम भी जो है रेडी हो चुका है, कुछ डब्बे पड़े हुए हैं, ये देखो भाई क्या आ रहा है मजा काम करने में। अब इधर ही बैठ के मैं काम करने वाला ऑल द टाइम, मतलब मजा है ना। लाइट देखो हमने नीचे तगड़ी लगा दिया, तो अभी ये डब्बे डुब्बे गायब हो जाएंगे यहाँ से, सब बालकनी में चले जाएंगे, टीवी का डब्बा सोफा रहेगा बस यहाँ पर। आई मीन ये ऐसा लग रहा है कि अब अनमोल जसवाल का एडिटर हो गया, अब अच्छा रूम, अभी तो और है यहाँ पर फ्रेम्स वगैरह लगाएंगे तो और अच्छा लुक आएगा, अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी इधर, मजा आने वाला, और भी चीजें करेंगे, अब तो और कंटेंट अच्छा बनेगा। नो ब्रूनो नो, एंट्री अलाउड नहीं है यहाँ पर, इस भाई साहब को दो रूम में एंट्री अलाउड नहीं है, एक इस रूम में और एक आप तुम्हारे रूम में वहाँ पर, वरना ये वायर आ जाएगा। नहीं ये चीज तो नहीं, आजो आजो चलो चलो काम कर लो, काम कर लो तुम, काम कर लो, चलो ठीक है इसको ले जाओ बाहर, आजो ब्रूनो आजो बाय, आजो आजो आजो। तो आज अपने अभिषेक भाई देर रात तक रुके क्योंकि कल जाना है, तो आज काम निपटाएंगे, तो इसलिए भैया जी के लिए हम मैगी बना के दे रहे हैं, पानी की कमी है, बिस्लेरी की पानी से बोतल से काम चलाया जा रहा है, और बिस्लेरी भी असली नहीं है, बिरसेली नकली बिस्लेरी, बट कोई नहीं जल्दी लग जाएगा आरो, फिर दिक्कत नहीं होगी। ये भी वेट कर रहे हैं मैगी का, और ये है अपना खजाना, यहाँ पे हमने मैगी के और पास्ता के पैकेट रखे हुए हैं क्योंकि अभी खाना होता नहीं है और इसके अलावा कुछ, तो कभी जब भूख लगती है रात को 1-2 बजे तो यही बना लेते हैं हम। हाँ भैया बताइए कैसी लगी मैगी भाई? बहुत ही बेकार। चलो निकलो 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 निकलो, बोल दो अभी भी। बहुत अच्छी मैगी बनी, बहुत मस्त। यार रात के 9 बज गए और मैं भूल ही गया कि मुझे बियर ट्रिम करवानी थी और बाल भी कटवाने थे, अब पूरे दिन तो करवा नहीं पाया, जाके देख ही लेता हूँ भाई कोई ना कोई तो सैलून खुला मिल ही जाएगा, करवाना ज़रूरी है क्योंकि मैं तो सुबह निकल जाऊँगा 6-7 बजे जल्दी, और जाने से पहले भाई ये बहुत ज़्यादा बियर्ड बढ़ चुकी है, इसको करवाना ही है किसी भी हालत में, तो मैं जाता हूँ देखता हूँ अगर होगा पॉसिबल तो आपको फिर मिल जाएगा लुक चेंज। भाई किस्मत अच्छी थी, एक दुकान खुली मिली गई और बाल भी कट हो गए हैं और बियर्ड भी ट्रिम हो गई है, ब्रूनो भी टीवी देख रहा है, देख लो बच्चे देख लो देख लो देख लो, नहीं 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 डिस्टर्ब कर रहा, सॉरी सॉरी, देख लो टीवी देख लो। और रात के 10:30 हो गए हैं, ये रहे अपने भाई साहब, और इनको भाई छोड़ के आने का टाइम हो गया है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। तो जो मेरी नानी है वो पंजाब में रहती थी, उनकी कुछ टाइम पहले डेथ हो गई थी, मैं बीच में पंजाब गया भी था लेकिन मैंने वो व्लॉग में बताया नहीं, ना ही कुछ शूट किया, ऑब्वियसली बात हो, तो इसलिए परसों यानी कि 1 नवंबर को उनकी 13वीं है, तो मेरे मम्मी पापा तो अभी पंजाब में ही है, बाकी कल मैं निकल रहा हूँ और उसके बाद 2 तारीख को मैं वापस आ जाऊँगा यहाँ पर, तो अभी मम्मी पापा घर पे है नहीं, काफ़ी लोग ये भी पूछते थे कि जब मैं ट्रिप पे जाऊंगा तो ब्रूनो का ध्यान कौन रखेगा, तो उस टाइम तक भाई मम्मी पापा वापस गुड़गांव आ चुके होंगे तो घर पे रहा करेगा, ये कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसी, बट इस टाइम पे अब घर पे भी कोई नहीं है, तो मैं अपनी बुआ जो है मेरी वो भी गुड़गांव में ही रहती है, हमारे घर के थोड़ा सा पास ही है 2-3 गली छोड़कर, तो अभी मैं ब्रूनो को उनके घर छोड़कर आ रहा हूँ, तो कल का पूरा दिन और परसों का पूरा दिन ब्रूनो वहीं रहेगा और उससे अगले दिन यानी 2 को मैं वापस आ ही जाऊँगा। नो ब्रूनो नो काटी काटी, भाई सच्ची बता रहा हूँ बिल्कुल मन नहीं कर रहा छोड़ के जाने का, अभी छोटा है क्योंकि, बट इमरजेंसी है इसलिए मैं कहीं पर भी ट्रिप प्लान नहीं कर रहा हूँ, आपने देखा ही होगा क्योंकि लगभग सभी ट्रैवल व्लॉगर्स ने जो है घूमना शुरू कर दिया है, बट मैंने सोचा यार अभी ये थोड़ा छोटा है तो छोटे टाइम पे, मतलब इस एज में, नो ब्रूनो नो, इस टाइम पे इस पे ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, और अगले साल जनवरी फरवरी में भाई कर लेंगे ट्रिप, कोई दिक्कत नहीं है, तो यही रीज़न था, अब बेचारे को छोड़ के जाना पड़ेगा। ओ नो 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 नो, ओ भाई मेरा माइक खा गया, नो ब्रूनो हर चीज़ नहीं खा जाते हैं, तो चलो भाई इसका डब्बा पैक करता हूँ, इसका सारा सामान डालता हूँ, फूड डाल देता हूँ, इसके सारे बर्तन डालता हूँ और लेकर चलते हैं इसको। ब्रूनो ब्रूनो ये देखो ब्रूनो,